हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दही भल्ले बनाने की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। आप देख सकते हैं ये जो दही भल्ले बने हैं, इनके सामने आपके जो मार्केट के दही भल्ले हैं वो भी फीके पड़ जाएंगे। ये देखिए, हमारे दही भल्ले जो हैं बहुत ही स्पंजी, सॉफ्ट, नरम नरम बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इसे कैसे बनाना है देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फूड ओपीट चैनल को एंड हिट कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुषमा, आप देख रहे हैं फूड ओपीट। तो चलिए आज कुछ नया बनाते हैं। स्पेशल बाजार जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम दही भल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी उड़द की दाल लिया है और इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। और ये है मूंग की दाल, इसको भी मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगोने रख दिया था। आज हम दोनों मिक्स दाल के बनाएंगे। आपने उड़द दाल के तो बहुत बनाए होंगे, बट अगर ये दोनों दाल के आप बनाकर जरूर देखिएगा। तो इसको मैंने छन्नी में निकाल कर इसे निकाल लिया है, इसका जितना भी पानी था ये निकल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें हम इसे पीस लेंगे। इसका बैटर जो है मीडियम थिकनेस का रखेंगे, ना ही ज़्यादा पतला रखेंगे और ना ही गाढ़ा। तो हम ये दाल जितनी रखी है इसको हम पीस लेंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने बैटर रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिएगा, इस तरीके का बैटर रेडी करना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों दाल को अच्छे से पीस लिया है, आप देख सकते हैं। इतना ही चिकना स्मूथ बैटर रेडी करना है हमें। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें जो अदरक का पेस्ट है इसको हम डाल देंगे। इससे क्या होगा कि बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, बिल्कुल आपको जैसे बाज़ार में आपने कभी खाया होगा तो इस तरीके का टेस्ट आएगा आपको इसमें। इसका और भी अच्छा टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, धनिया का पेस्ट है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, आप इसे ज़रूर डालिएगा। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, आप चाहे तो यहाँ पर जीरा भी डाल सकते हैं। और इसे हमें अच्छी तरीके से फेंटना है, जब तक कि ये अच्छा फ्लफी ना हो जाए एकदम से कम इसे 10 से 15 मिनट तक फेंटना है। और इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, बिल्कुल उल्टा नहीं घुमाना है। जिस तरीके से आप ये घुमा रहे हैं इसी तरीके से घुमाना है बस। इसमें हम हवा भरेंगे, इससे क्या होगा कि जो बैटर जो है अच्छा फ्लफी बनेगा, उसके साथ साथ जो दही भल्ले हैं हमारे अच्छे फूले फूले से बनेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लफी बन गया है, ये कैसे पता करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ऐसा कर रही हूँ, तो ये जो बैटर है ऐसा हिल रहा है। और इसको चेक करने के लिए आप एक कटोरी में पानी ले लीजिएगा और उसमें हल्का सा टपकाइए, तो ये जो बैटर है ऊपर उठ जाएगा। तो समझ जाइए कि बैटर जो है हमारा अच्छा फ्लफी बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, गैस के ऊपर कढ़ाई रख दिया है हमने यहाँ पर, और इसमें हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, इसे हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये बहुत ही परफेक्ट गर्म हुआ है, खूब ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, नहीं तो जो दही भल्ले हम जब डालेंगे ना तो ये एकदम से जल जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ बैटर फिर से, ये देखिए कितना फ्लफी बना है एकदम से, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी होना चाहिए बैटर की, ये देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ आपको। तो इसमें हमने बिल्कुल भी बेकिंग पाउडर सोडा यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल इसे इसी तरीके से अगर आप फेंटेंगे ना, जितनी ज़्यादा देर आप फेंटेंगे और एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे तो आपकी जो दही भल्ले हैं इसी तरीके के फूलेंगे। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ डालते हुए, हाथ में पानी लगाकर ही बैटर को उठाइएगा, तो उससे क्या होगा कि दही भल्ले अच्छे से बनाते बनेगा। तो इस तरीके से हमें डालना है और गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मीडियम रखा हुआ है। आप यहाँ पे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ 3 बना के दिखा रही हूँ भी आपको। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं दही भल्ले हमारे। ये जो दही भल्ले हैं हमें इसे खूब ज़्यादा भी एकदम तेज इसमें नहीं तलना है, हल्का इसका कलर जो है सुनहरा कलर होना चाहिए। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से तलना है, और बहुत ही अच्छे फूल रहे हैं दही भल्ले हमारे। मैं अभी आपको पास से भी दिखाऊँगी, देखिए ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं, और कलर देखिएगा बहुत ही मस्त आया है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ हाथ से, ये देखिए कितने स्पंजी बने हैं, अंदर से एकदम रुई जैसे दिख रहे हैं, सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ आपको, अंदर का टेक्सचर देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त आया है, एक लाइक तो बनता है यहाँ पर। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे जितने भी दही भल्ले का बैटर रखा है इसको हम बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे तल के हो चुके हैं और कलर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं।
तो लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट के जैसे। तो देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो ये जो दही भल्ले हमने बनाया है इसको आप एयरटाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं, जब आपका मन करे तब आप इसे रेडी करके खा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम और भी रखे हैं, उन्हें बना लेंगे। तो देखिएगा मेरे यहाँ पे दही भल्ले बन के रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितने फ्लफी बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। ऊपर से एकदम क्रिस्पी हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट और नरम नरम हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये कटोरे में मैंने पानी लिया है, तो इसको हम क्या करेंगे भीगने के लिए रख देंगे पानी में डालकर। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरा ले लिया है और इसमें हमने पानी ले लिया है, पानी हमें पीने का यूज़ करना है। और ये जो दही भल्ले हैं इसको हमने यहाँ पे डाल दिया है, इसको करीब 15 से 20 मिनट तक पानी में इसी तरीके से डुबो के रखना है। पानी हमें 1 से 2 बार चेंज करेंगे, ये एक बार हम डाल देते हैं इसमें पहले, और इसमें जितना भी ऑयल है वो रिलीज़ हो जाएगा। और इसके ऊपर थोड़ा सा वजन देने के लिए हम इसके ऊपर रख देंगे, एक कोई भी हैवी थाली भी रख सकते हैं इसके ऊपर। तो मैं आपको दिखा दूँ इस तरीके से रखना है, जिससे क्या होगा कि जो दही भल्ले हैं अच्छे से डूबे हुए रहेंगे पानी के अंदर। दही भल्ले के फूलने तक सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको साइड में रख देंगे। और मैंने यहाँ पे 400 ग्राम दही लिया हुआ है, इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, बिल्कुल क्रमी बनाएंगे एकदम से इसको। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पानी जितना भी एक्स्ट्रा पानी है तो ये छन्नी में निकाल लेने से क्या होगा कि इसका जो पानी है निकल जाएगा, तो दही जो है हमारा ज़्यादा पतला नहीं बनेगा, बढ़िया थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिएगा इस तरीके से इसका पानी निकाल लेना है। दही के छंदे तक मैं यहाँ पे आपको एक सीक्रेट मसाले की रेसिपी दिखा रही हूँ। तो ये देखिएगा दही भल्ले के ऊपर जो मसाला डालते हैं ना, बिल्कुल वही हम रेडी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 2 स्पून जीरा डाल रही हूँ, आप चाहे तो पैन में डाल सकते हैं या फिर कढ़ाई में भी भून सकते हैं इसे। और भुने हुए जीरे का जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आता है दही भल्ले के ऊपर डालने से। तो जीरा जो है चटकने लगा है, और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे 1/2 स्पून, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा इसमें दही भल्ले में। तो ये देखिएगा थोड़ा सा हम यहाँ पे अजवाइन डालेंगे, इसे हमें अच्छी तरीके से भून लेना है पहले, अजवाइन और जीरे को साथ में भूनना है। और ये जब भून जाए तो गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे बंद कर देंगे। जीरा अजवाइन जो है भून चुका है, अब गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पे बंद कर दिया है। इसमें ऐड करेंगे काला नमक, काला नमक ज़रूर डालिएगा इसमें, 1/2 स्पून मैंने यहाँ पे काला नमक डाला हुआ है। और रेड चिल्ली पाउडर 1/2 स्पून ऐड करेंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, थोड़ा वाइट वाला नमक भी डालेंगे हम इसमें। और थोड़ा इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, चाट मसाला मुझसे मिस हो गया है यहाँ पे तो हम ऊपर से डाल देंगे, आप इसे ज़रूर डालिएगा। और गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर बंद किया हुआ है, जब जीरा अजवाइन भून चुका था तो उस समय पर गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, उसके बाद ही ये नमक मिर्च डालना है। अब इसे हम अच्छे तरीके से ठंडा होने देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो ये जो मसाला है हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा, तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आएगा। इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है और इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। इस पाउडर को आप चाहे तो 2 से 4 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगा। तो यहाँ पे मैंने मसाला रेडी करके रख लिया है। तो ये जो मसाला है इसको आप अच्छे एयर टाइट डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी अगर आप चाट बनाते हैं तब इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं इसे। तो ये जो दही भल्ले हमारे बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं, अब इसे हम एक बार निकालेंगे, फिर से इसे हम दूसरे पानी में डालेंगे ताकि जितना भी इसमें ऑयल है ये अच्छी तरीके से निकल जाए। तो इसको हमने निकाल लिया है, और कटोरे में फिर से हम पानी ले लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे नमक, नमक डालना ज़रूरी है क्योंकि दही भल्ले में जो है नमक डालने से क्या है कि इसमें थोड़ा बहुत नमक चला जाता है, तो इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और हमने वैसे भी जब जो पेस्ट था बैटर उसमें भी हमने डाला हुआ है नमक, और ये पानी में भी डालना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम डाल देंगे और इसे कम से कम 10 मिनट के लिए फिर से रख देंगे, तो इसमें जितना भी ऑयल है अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा। सेम प्रोसेस वैसे ही रखना है। तब तक हम क्या करेंगे, ये जो दही रखा है इसका पानी जो है अच्छी तरीके से निकल चुका है, तो इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिएगा इतना पानी निकला है,
तो यहाँ पे हम दही को खट्टा मीठा बनाएंगे, जिस तरीके से हमें बाजार में मिलता है ना, बिल्कुल वैसे ही बनाना है हमें। तो इसे हमें अच्छे तरीके से फेंट लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे मथनी से भी फेंट सकते हैं, मथनी से फेंटने से बहुत अच्छा सॉफ्ट बनेगा हमारा दही। तो मैंने यहाँ पे चीनी डाल दिया है, आपको अगर कम मीठा पसंद है तो थोड़ा कम चीनी डाल सकते हैं यहाँ पर। तो शक्कर डालने के बाद में दही को हमें 10 से 15 मिनट के लिए प्लेट ढक के रख देना है, जो शक्कर जो है अच्छे से घुल जाएगी। और इस दही को जो है मिक्सी में घुमाना नहीं है, इसे हाथ से ही फेंटना है। आप चाहे तो इसे मथनी से ही फेंट सकते हैं। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, दही भल्ले जो है हमारे बहुत अच्छे से फूले फूले से हो गए हैं और पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। अब इसको हम हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इस तरीके से दबाएंगे, खूब जम के नहीं दबाना है। इसका जो पानी है वो निकल जाएगा और जो ऑयल है वो भी इसमें निकल जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी दही भल्ले रखे हैं इसका हम पानी निकाल लेंगे इस तरीके से। कितने ज़बरदस्त हमारे दही भल्ले फूल के रेडी हुए हैं, बिल्कुल मार्केट के जैसे बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे दही भल्ले बनाकर दिखाया है, आप अगर इसी तरीके से बनाते हैं तो आपके दही भल्ले भी इसी तरीके से एकदम से सॉफ्ट स्पंजी फ्लॉफी बनेंगे। ये देखिए अंदर का टेक्सचर, देखिए मैं आपको यहाँ पे तोड़ के दिखाई हूँ। ये देखिए जालीदार बने हैं एकदम से, आप देख सकते हैं, पास से दिखा रही है आपको मैं। अब चलते हैं हम यहाँ पे दही के साइड में। तो दही जो है हमारा, शक्कर जो डाले थे हमने, ये अच्छी तरीके से घुल चुकी है। तो इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, बिल्कुल मथनी से फेंटना है इसे। तो इस तरीके का टेक्सचर आएगा, दही का टेक्सचर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बना है, एकदम क्रमी दिख रहा होगा आपको। दही को ऐसे ही स्मूथ बनाना है। इतने गजब के दही भल्ले बने हैं कि बाजार के भी इसके सामने कुछ नहीं है। तो ये देखिएगा, खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी है और ये हरी मिर्च की चटनी है। ये जो खट्टी मीठी इमली की चटनी है, इसका लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है। और ये हरी मिर्च की चटनी है। और ये जो है दही भल्ले के ऊपर डालने के लिए जो हमने मसाला रेडी किया है, ये रखा है, इसको आप अच्छे एयर टाइट डिब्बे में भी बंद करके रख सकते हैं। चलिए इसे सर्विंग प्लेट में निकालना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट निकाल लिया है और ये दही भल्ले को हम यहाँ पे रख देंगे। वाह, क्या ज़बरदस्त दिख रहे हैं, बहुत ही फूले फूले से बने हैं दही भल्ले हमारे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दही डालेंगे। ये खट्टा मीठा दही है, बहुत ही टेस्टी दही है। ये दही हमें फ्रेश यूज़ करना है, ज़्यादा पुराना दही यूज़ नहीं करना है, नहीं तो दही भल्ले का टेस्ट आपका अच्छा नहीं आएगा। और इसके ऊपर डालेंगे हम यहाँ पे इमली की खजूर की खट्टी मीठी चटनी। मीठी चटनी के बिना दही भल्ले का स्वाद अधूरा रहता है, इसका टेस्ट जो है डबल बढ़ जाएगा। और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे जो हरी चटनी हमने बना के रखी हुई है, इसको डाल देंगे। वो अच्छा चटपटा बन जाएगा हमारा दही भल्ला, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी चटनियाँ भी बनी है हमारी। और ऊपर से हम डालेंगे ये जो मसाला हमने रेडी किया है, इसको हम डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा। तो ये हमारे दही भल्ले फूले फूले से रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, एक खाते हुए भी दिखाऊंगी। ये देखिए अंदर का टेक्सचर देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त आया है, बहुत ही फ्लफी बने हैं और एकदम जालीदार हमारे दही भल्ले बन के रेडी हुए हैं। तो ये देखिएगा, वाओ क्या ज़बरदस्त टेस्टी लग रहे हैं, खाने में बहुत ही मज़ा आ गया, इसे बहुत ही शानदार बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और होली के स्पेशल त्यौहार पे आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आप भी इस तरीके से दही भल्ले बनाइएगा और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको परफेक्ट दही भल्ले बनाना है तो जो दाल का जो बैटर है उसको आप अच्छी तरीके से फेंटिएगा, जब तक कि वो अच्छा फ्लफी ना हो जाए तब तक आप उसे फेंटिए, तो आपके जो दही भल्ले हैं अच्छे फूले फूले से बनेंगे। और उसको पानी में कम से कम 15 से 20 मिनट तक रखिएगा और पानी को दो बार चेंज कीजिए, तो जो उसका ऑयल है वो अच्छे से पानी में रिलीज़ हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन की बटन है, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा और ऑल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट, थैंक यू।